हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज़ मी शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके फिर समझ में आ गया होगा ना कोने से क्यों आ रही हूँ मैं क्योंकि आज हम लोग एक नया फाइलम शुरू करने वाले हैं लास्ट क्लास में जाते जाते भी मैंने आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही लंबी चौड़ी भारी भारी सी चीज़ पढ़नी है वो क्या है वो आज आपकी क्लास में समझेंगे हम लोग ठीक है पर इससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ठीक है लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बाबा जी की बूटी मतलब एनसीआर बूटी के बारे में पढ़ा था जिसमें जो जो भी एन के में लिखा हुआ था वो सब मैंने आपको एक एक लाइन समझा दिया था आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि ट्वेल्थ के लिए भी ऐसा ही कुछ लेके आइए तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए आप लोगों के लिए भी पर, भरपूर व्यवस्था की जाएगी ठीक है और जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है सेम टू सेम चीज आपने क्या देखी होगी कि एनसीआरटी में भी वही वही चीजें लिखी हुई हैं कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं नीट में क्लासेस का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंस नहीं है पर फिर भी मैं आपको कोई भी क्लासिफिकेशन जहां पर बिल्कुल ही जरूरी नहीं जैसे एसकेल मीन्स में क्लास की जरूरत है ही नहीं समझ रहे हो बात को एसकेल मीन्स में ज़रूरत ही नहीं है फैज़ मीडिया नहीं है ज़रूरत इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं ठीक है पर हर जगह आप देखते हैं में भी मैंने आपको थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बताया था क्लासेस बहुत बड़ी हैं बहुत सारी हैं पर मैं आपको सिर्फ उन्हीं क्लासेस के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूं ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम रहे कि हाँ भैया ऐसी, ऐसी ऐसी क्लासेस होती हैं ठीक है डिटेल से हमने किसी भी क्लास को नहीं पढ़ा है तो डिटेल से पढ़ने जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो क्लास का एक जनरल आपको थोड़ा सा आ, जो है इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में भरा हुआ होना चाहिए ठीक है पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीट में क्लासेस के बारे में नहीं पूछा जाता हो सकता है कि क्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जाए इसलिए मैं हर क्लास में आपको उसके एग्जाम्पल ज़रूर बताती हूँ कि भैया ये एग्जाम्पल है इसके अंदर पर ये इस क्लास में आते हैं ठीक है तो ऑर्थ्रोपोडा में भी हम लोग यही करेंगे कि हम लोग एक जनरल सा क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ठीक है थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा लिटिल लिटिल कुंचम कुंचम ओके सो so, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइलम और ठीक है आई बात समझ में बहुत ही बड़ा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जीव जंतु इसी फाइलम के अंदर आते हैं पूरे एनिमल किंगडम का टू थर्ड पार्ट एक्चुअली ऑर्थ्रोपोडा का ही होता है दे हैव समर्वाइवल एडवांटेजेज इन टू देर बॉडी ठीक है इनके पास कुछ ऐसे सर्वाइवल एडवांटेजेज हैं कि लोग ऐसे कहते हैं कि धरती खत्म हो जाएगी पर कॉक्रोचेस खत्म नहीं होंगे तो कॉक्रोचेज के पास ऐसा क्या है भाई एक जो है तिलमिलाने वाला जानवर इतना क्या उसके अंदर ऐसा है कि धरती खत्म हो जाए तो भी ये जिंदा रहेगा आज के लेक्चर्स में हम लोग यही सब जानने वाले हैं इंसेक्ट जो है सारे दुनियादारी के मैं तो कहूँ कि पूरे दिन में जितने जानवर तुम्हारे घर में आते हैं उसमें से नब्बे प्रतिशत जानवर यही हैं समझ में क्या क्या आता है मुझे बताओ चींटी आती ही होगी तुम्हारे घर में चीटी चीटे आते ही होंगे फिर और क्या आता है तुम्हारे घर में कभी कभी तुम बटरफ्लाई भी देख ही लेते होगे अच्छा मक्खियाँ तो आ ही सकती हैं मच्छर तो आ ही सकते हैं मतलब घर पे आने वाले 90 टू 95 परसेंट जो जानवर हैं वो एक्चुअली यही होते हैं ठीक है इसीलिए लोग कहते हैं कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जीव जंतु इसी फाइलम के अंदर आता है बहुत इंटरेस्टिंग फाइलम है कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए अब हम अपने फ्लाइट को टेक ऑफ कर रहे हैं ठीक है चलिए सो लेट स्टार्ट कोई भी फाइलम हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले उसका क्या जानना जरूरी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है हम लोगों को बीच से नहीं पढ़ना है हमेशा बेसिक से शुरू करना चाहिए ठीक है बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा कि आधा पढ़ा के उनको ये याद आता है कि बेसिक पढ़ा लेते हैं ठीक है तो बेसिक पढ़ाने लगते हैं नो देयर शुड बी अ सीक्वेंस ठीक है हमेशा आपने देखा होगा कि मैं आपको सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री बॉडी प्लान सिलोम ये सब चीजें पढ़ाती हूँ और हमेशा पढ़ने का सीक्वेंस ही यही होता है ठीक है अब भी याद आ गया अरे यार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोड़े चलो यहाँ बता दे नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है आज आपको मैं बिल्कुल सीक्वेंस मैनर में जो कि हम क्लासिफिकेशन में ऐसा पढ़ ही रहे हैं ठीक है आपको पूरे फाइलम अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि हो सकता है कि जल्द से जल्द आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाए ठीक है सो लेट स्टार्ट विद फाइलम और देखिए हमेशा अच्छा भी थोड़ी देर पहले ही अपन बात कर रहे थे कि न्यूमरस स्पीशीज भर भर के स्पीशीज है भैया इनके पास ठीक है दे हैव न्यूमरस स्पीशीज इन टू द फाइलम बहुत सारी स्पीशीज होती हैं ठीक है अराउंड देख लो कितनी है स्पीशीज ठीक है मतलब तुम समझ रहे हो हम लोगों ने टोटल इतनी स्पीशीज को खोज लिया है वो भी वो स्पीशीज जो स्पेसिफिकली ऑर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करती हैं मतलब तुम सोच लो कि हम लोगों ने एनिमल की कितनी स्पीशीज ढूंढ ली होंगी जिसमें नौ लाख तो यही है समझ में आई बात इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम ठीक है लार्जेस्ट फाइलम ठीक है इससे ज्यादा कोई बड़ा फाइलम नहीं है टू थर्ड पार्ट ऑफ द ऑफ द एनिमल किंगडम इज़ कवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द दर्थरोपोडा फाइलम ठीक है आई बात समझ में इसमें भी इनकी क्लासेस होती हैं जैसे चिलोपोडा डिप्लोपोडा क्रस्टेशिया एरक्नीडा इंसेक्टा ये सब इनकी क्लासेस हैं ठीक है थीके? इसमें जो सबसे बड़ी इनकी क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा ठीक है दे हैव सो मेनी क्लास डिप्लोपोडा चिलोपोडा क्रिस्टेशिया अरेक्निडा इंसेक्टा ठीक है इनमें सबसे बड़ी जो इनकी क्लास है वो है इंसेक्टा मतलब समझिए कि इंसेक्टा में इतने में से इतने जानवर ठीक ठीक है मतलब करीब साढ़े सात लाख जानवर साढ़े सात लाख जो जानवर हैं वो इंसेक्टा के मतलब और सही भी बात है ना यार तो अपने पास कितने इंसेक्ट है यार तुम देखो सोचो बटरफ्लाई इंसेक्ट है ठीक है और आपकी ग्रास हॉपर इंसेक्ट है कॉकरोच इंसेक्ट है मच्छर इंसेक्ट है मक्खी इंसेक्ट है और हनी भी इंसेक्ट है देर आर सो मैनी स्पीशीज मतलब खड़े खड़े तीस चालीस तो अपन ऐसे ही गिन लेते हैं तो साढ़े नौ लाख में साढ़े सात लाख जो है वो इंसेक्ट है तो इट कवर्ड ऑलमोस्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम ठीक है नाउ अब हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि इनका हैबिटेट क्या है ठीक है क्योंकि हमको कोई भी फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी डिस्कस करें सबसे पहले हम ये तो जान लें कि वो रहता कहाँ है क्योंकि विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि विटेकर ने क्लासिफिकेशन को किस आधार पर डिवाइड किया है द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल ठीक है कैसा बिहेव करता है एनिमल तो सबसे पहले तो कुछ भी देखने जाओगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे ना कि घर कैसा है उसका खाता क्या है और घर कैसा है क्योंकि अंदर स्ट्रक्चर सिमेट्री कैसी सिलोम कैसा ये तो बाद में देखोगे पहले तो देख लो कि बाहर से वो खाता क्या है और किस जगह पे रहता है तो इसलिए सबसे पहले हम लोग किसी भी फाइल में उसका हैबिटेट पढ़ते हैं। इसको आप हैबिटेट भी कहते हैं ठीक है लेट स्टार्ट ठीक है जितने भी हमारे घर पर पाए जाने वाले जानवर हैं ठीक है थीके? उसमें से मैंने आपको बताया ना नाइन्टी फाइव परसेंट तो ऑर्थ्रोपोडा ही होते हैं हर कभी घूमते हुए अरे यार घर के दरवाजे बंद कर दो नहीं तो क्या आ जाएंगे अरे बोलो क्या आ जाएंगे मच्छर ठीक है अरे यार जो है तो ये खिड़कियों में ये लगा दो नहीं तो आ जाएंगे मच्छर और मक्खियाँ ठीक है उसके बाद जो है आ, हनी को सुरक्षित हनी से कोस को मतलब अगर आपको शहद निकालना है तो किससे बचना चाहिए मधुमक्खी से ठीक है सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो कि नॉर्मली डेली लाइफ में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है कभी कभी आपके घर में बिच्छू भी निकल जाता होगा स्कॉर्पियन भी निकल जाता होगा मेरे ख्याल से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 60 परसेंट फिफ्टी परसेंट लोगों ने तो स्कॉर्पियन देखा ही होगा ओरिजिनली ठीक है और आप समंदर कहीं समंदर वाले एरिया में घूमते हुए जाएँ तो आपको क्रैब मैफ प्रॉन रॉन सब दिखता ही रहता है लोग खाते हैं उसको बड़े चाव से तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे घर पे जो इतनी सारी स्पीशीज़ आती हैं उसमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ एक्चुअली और की होती है अब तुम ये मत सोचना मैडम बिल्ली आती बिल्ली के और की अरे नहीं मेरे भाई और बिल्ली बिल्ली नहीं आते सिर्फ इंसेक्ट वाला जो प्राणी होते वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे कि बरसात होती है बरसात बरसात नहीं भी हो दैट मिली पिट खजूरा वगैरह सब इसी के अंदर तो आते हैं ठीक है ना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं सबसे पहले ये एक्विटिक हो सकते हैं अच्छा मैं बताऊँ कि जो आ, लोग कहते हैं ना सी फूड खाते हैं लोग सी फूड इज़ वेरी टेस्टी फूड ठीक है मैं नहीं खाती हूँ ठीक है पर जो लोग भी खाते हैं लोग ये कहते हैं कि समंदर में पाए जाने वाली प्रजातियाँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती हैं क्योंकि इसके अंदर आते हैं केकड़े ठीक इसके अंदर जो है आपके बहुत सारे टाइप के केकड़े आते हैं ओके okay, प्रॉन्स हैं जो कि काफी जो है टेस्टी होते हैं ओके okay? तो जो भी समंदर में रहते हैं वो सब कौन से कहलाएंगे वो सब कहलाएंगे एक्वेटिक ठीक है पर अगर तुम कॉकरोच को देखो सबसे महाशय प्राणी जो है ना वो एक्चुअली इस फाइलम में आपका कॉकरोच ही है इवन मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर सेवन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल में सबसे जो है आपको कॉकरोच पढ़ना है पूरा डिटेल से क्योंकि कॉकरोच की जो एनाटॉमी है वो ह्यूमन एनाटॉमी से मैच करती है इवन अर्थ वॉर्म में भी आपको मैंने एनाटॉमी बताई इवन एनसीईआरटी का डायग्राम भी वहां पे लगाया और मैंने आपको समझाया कि उसकी भी एनाटॉमी है ह्यूमन जैसी ही मिलती है वैसे ही सेम टू तो सेम कॉकरोच है अब वो लोग कॉकरोच अपना भाई है क्या अरे नहीं है कॉकरोच अपना भाई पर उसकी एनाटॉमी जो है वो हमसे मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान हम लोग उससे ही डेवलप हुए हैं धीरे धीरे ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है दीरे दीरे तो ये टेरेस्ट्रियल हो, so uh, uh, like so हो सकते हैं देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड लाइक कॉकरोच सो मेनी इंसेक्ट्स ये पैरासाइट हो सकते हैं ओके क्यों नहीं हो सकते पैरासाइट मच्छर क्या पीता है तुम्हारा खून स्कॉर्पियन क्या चूस लेती है तुम्हारा खून ठीक है तो कुल मिला के ये सब क्या है पैरासाइट ही तो है सैंगवीवोरस पैरासाइटिक फॉर्म ही तो हैं इसके तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं ये हो सकते हैं वॉलेंट मतलब उड़ने वाले हो सकते दे देना दन तो मच्छर को मार पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जैसे ही मारने जाते हैं से उड़ जाता है ठीक है वॉलेंट का मतलब उड़ने वाले ना ग्रिगेरियस ठीक है ग्रिगरियस और कॉलोनियल इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि दोनों साथ में ही रहते हैं ठीक है दोनों साथ में ही रहते हैं पर ग्रिगेरियस में ऐसा रहता है कि ग्रिगेरियस में कोई कॉपरेशन नहीं रहता है ठीक है और कॉलोनियन में ऐसा रहता है कि साथ में रहेंगे एंड विद द कॉपरेशन सपोज दैट कि आई एम अ ग्रिगेरियस प्रजाति ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा। तो मैं अपने ऑफिस में ऑफिस वालों के साथ रहती हूँ मेरे ऑफिस में पचास लोग काम करते हैं पचास लोग में मैं एक सदस्य हूँ उनका मैं आती हूँ रोज़ हर दिन मैं अपना काम करती हूँ पर मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ठीक है हालांकि ऐसा नहीं है मुझे सबसे बहुत ज्यादा मतलब है ठीक है तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं भाड़ में जाओ जिसको जो है तो जिसको जो करना करता रहे ये कहलाते हैं ग्रिगेरियस कॉलोनियल क्या करते हैं कि भैया ऐसा है कि दो घंटे वीडियो हम बना लेते हैं तीन घंटे तुम बना लो पांच घंटे तुम बना लो मिल बैठ के अपन काम करते रहेंगे तो ये होते हैं होतेनियल कि जब आपको साथ में रहना है और कॉपरेशन बना रहे देन इट इज कॉल्ड एज कॉलोनियल प्रजाति ऑफ एनी फाइलम और अगर आप साथ में रहते हैं और आपको कोई मतलब नहीं है अपना काम बनता बाढ़ में गाय जनता तो ये कहलाते हैं ग्रिगेरियस ठीक है ओके कोलोनियल में बहुत ग्रिगेरियस का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ वॉलेंट का भी बता दिया के टेरेस्टिल्विटिक का के बता दिया, दिया, दिया। ग्रिगेरियस कैसे छोड़ दें अपन ग्रिगेरियस में आजकल बहुत ज्यादा फेमस है टिड्डी दल का हमला सुना है आप लोगों ने ना कि टिड्डी दल जो होता है वो पूरे पूरे खेतों को नष्ट कर डालता है सुना ही होगा आप लोगों ने ये एक बार आते हैं तो लोग टन 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 घंटियाँ बजाते रहते हैं कि भाग जाए सुना होगा आप लोगों ने बड़े ही खराब प्रजातियाँ हैं पूरा जो है फसल खा जाती हैं ओके okay, तो ये होते हैं ग्रिगेरियस कॉल्ड एज लोकस ठीक है नाउ कोलोनियल का तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है भैया कोलोनियल का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दैट इज मधुमक्खी हनी बीज ओके हनी बीस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल मतलब क्वीन रहेगी जो रानी रानी जो है कोई काम नहीं करेगी ठीक है रानी का काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन करना उसके बाद बेचारी जो वर्कर मधुबक्खी है बेचारी साफ सफाई करती हैं शहद बनाती हैं और उसमें भी ज्यादा चौड़ में कौन रहता है उनका ड्रोन जो कि मेल रहता है पर मेल के साथ ये लोग क्या करती हैं कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्वीन बी जो होती है उसे मार देती है तो इट इज द कॉपरेशन उसमें भी वर्कर बी में जो होती है क्या होती है साफ करने वाली अलग होती है शहद बनाने वाली अलग होती है और क्वीन की सेवा करने वाली अलग होती है सो देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ द बीज इन अ फैमिली ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज कोलोनियल टाइप ऑफ हैबिटाट इन द दपोडा सो आपने क्या देखा कि बहुत सारे प्रकार की अब नाएन, नाएन में भाई सब अलग अलग टाइप की तो होंगी सारी एक जैसे थोड़ी होंगी एंडस में भी देखा होगा आपने कि एंड जो होती हैं वो एक के पीछे एक चलती है आओ बहन चुगली करें तो आपने देखा होगा कि चलो 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 देखो, देखो देखो वो जब जो है चीटा जा रहा है तो आओ बहन चुगली करे वाला हाल उनका भी होता है तो कोलोनियल का मतलब दे लिव टुगेदर विद द विदोरेशन इज कॉल्ड एज कॉलोनियल लिव टुगेदर विदाउट कॉपरेशन इज कॉल्ड एज ग्रिगेरियस ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग खाना क्या क्या खा सकते हैं ये शाकाहारी हो सकते हैं आपने देखा होगा कॉकरोच जो होते हैं मतलब मैंने तो देखा आई डोंट नो आपने देखा है कॉकरोच जो होते हैं वो आलू खा जाते हैं टमाटर खा जाते हैं उनको तो जो ही दो वही खा जाते हैं ठीक तो ये हरबी बोर्स हो सकते हैं कार्नी बोर्स हो सकते हैं मांसाहारी और ओमनी बोर्स होते हैं इवन कॉकरोच इज ओबनी वोर प्राणी शाकाहारी मांसाहारी दो दोनों ठीक है सैम्बी बोरस होते हो सकते हैं रक्त चूसेस लाइक मॉस्किटो नेक्चरी बोरस हो सकते हैं फूलों का रस चूस सकते हैं लाइक हनी बी एंड बटरफ्लाई मतलब डिकिंग चीजों से भी खाना ले सकते हैं तो हैबिटाट में आपने इतनी चीजें सीखी इसमें किसी भी टर्म में आपको कोई चीज में प्रॉब्लम होगी ध्यान से स्क्रीन शॉट आप इसका लेना और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी कोई एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो ठीक है डोंट फियर इफ आई एम हियर तो देर आर सो मेनी स्पीशीज लुक एट दिस एग्स ठीक है तो ये बहुत सारी स्पीशीज है ऑर्थ्रोपोडा की ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज वाई द ऑर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोपोडा सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होना चाहिए वाई द ऑर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोपोडा ठीक है जैसे कि आपने एनिलिडा में पढ़ा दे हैव स्मॉल बेबी रिंग्स कॉल्ड एज एन्यूल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ एन्यूल्स इन द बॉडी दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एनिलिडा

पोडा का मतलब होता है लेग्स गेटिंग माय पॉइंट औरथ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स या मैं सीधे-सीधे कह सकती हूँ अपेंडजेस ठीक है अपेंडजेस का मतलब ये होता है यू हैव यू हैव हैंड्स एंड लेग्स इनटू योर बॉडी ठीक है जैसे ये मेरे हाथ हैं ये मेरे पैर हैं सो दीस आर अपेंडजेस ऑफ माय बॉडी सेम थिंग विद द द ऑर्थ्रोपोडास सो ऑर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड

Annelida do not have any type of respiratory system. They all, always done their respiration through the help of skin, and maybe some forms have the external gills called as branchial respiration, but not uh, everyone. theek hai तो कुल मिला के आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि Annelida में तो कोई respiratory system था ही नहीं, पर इनके पास सब है भैया। तो इनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भैया वेल डेवलप्ड जो है एक्सिलेटरी सिस्टम है सर्क्यूलेटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम है सो दे हैव वेल डेवलप्ड टू द बॉडी दैट इज द बेसिकली वेल डेवलप्ड सिस्टम इवन दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन टू समझ में आई बात और जिसके पास भी सेंसरी ऑर्गन होते ना भैया तो ये समझ लेना बड़ा काम जो है तो डलने वाला है इवन दे हैव आइस टू ठीक है दे दे हैव 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 डोंट ठीक है नाउ ट्रिप्लो होते हैं ये ठीक है ट्रिप्लो अच्छा जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी चल क्या रही है ठीक है ओके okay. जिस, जिसको ये राम कथा रामायण नहीं समझ में आ रही है तो ये रामायण आपको मिलेगी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं ठीक है सो दे हैव सीलोम सीलोम कहां से शुरू हो गया है एनिलिडा से वेल डेवलप सिलोम कैविटी शुरू हो गई है ठीक है सो दे हैव सीलोम द बॉडी दैट इज दे आर सिलोमेट एनिमल एंड दे लुक एट दिस दे आर मॉथ क्रिकेट्स

तो सिमेट्री की लुक एट दिस इंसेक्ट ओके सिमेट्री की बात करिए आप सिमेट्री की बात हम लोग करेंगे तो अगर इस ऑर्गन को अगर आप ऐसा काट दीजिए ऑर्गेनिज्म को सॉरी ठीक है तो अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को ऐसा काट दीजिए तो ये एक भाग बन जाएगा और ये दूसरा भाग बन जाएगा ठीक है तो अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बीस से काट देते हैं देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री क्या पढ़ाया था आपको दिमाग पे अपने हथौड़ा ठोकी और बताइए मुझे कि क्या पढ़ाया था आपको बायोलेट्रल सिमेट्री मेरे प्यारे बच्चों ठीक है बायोलेट्रल सिमेट्री ओके okay? सो so ये मैं बार बार क्यों बताती हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है कि कोई नया बच्चा जुड़ा हुआ हो या हो सकता है कि कोई बच्चा जो है उसको एक बार में समझ नहीं आया हो ओके नाउ बायोलिट्रल so, सिमेट्री है इनके पास अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म को बीस से काटेंगे तो दो बराबर भाग आपको मिल जाएंगे अगर वो बायोलेट्रल सिमेट्री वाला है है तो, है तो तो रेडियल नहीं ठीक नाउ सेगमेंटेशन ओके सेगमेंटेशन कहां से स्टार्ट हुआ है सेगमेंटेशन कहा से पढ़ना शुरू किया है आप लोगों ने सेगमेंटेशन बताइए मुझे अरे बोलो ना मेरे लाल सेगमेंटेशन जो है भैया पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ तीन लोगों के पास है किसके किसके पास है एनेलिडा पहला फाइलम ऑर्थ्रोपोडा दूसरा फाइलम एंड कॉर्डेटा तीसरा फाइलम टंडना टंडन एनेलिडा में तुमने ये देखा कि बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से सेगमेंटेड है पर ऑर्थ्रोपोडा में तुम क्या देखोगे ऑर्थ्रोपोडा में तुम ये देखोगे कि बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है ठीक है बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है ओके बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड है इवन यू कैन इजीली ऑब्जर्व द सेगमेंटेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्थ्रोपोडा डन ठीक है अब सिर्फ तुमको जो है अपने भाई को है अपने दिमाग में रखना अपना भाई कौन है भैया प्लेनाटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच ठीक है सो देर आर सो मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच टू ठीक है सो दे हैव सेगमेंटेड बॉडी ठीक है

सो so, uh, जैसे कि 10 से 11 सेगमेंट होते हैं में और तीन सेगमेंट होते हैं थॉरेक्स में भी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल मिला के आप समझिए कि इनकी ईच सेगमेंट में तो नहीं हो सकता पर हाँ ये कह सकते हैं कि सेगमेंट्स में पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस कौन कौन से हैं भैया पेयर्ड अपेंडेजेस हैं अपने इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए पेयर्ड अपेंडेजेस कौन कौन से हैं पेयर्ड अपेंडेजेस हैं अपने लेग्स ठीक है सो हाउ मेनी लेग्स यू हैव सीन दिस दिस इज इज वन पेयर पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर सो आप क्या देख रहे हैं कि इनके पास जो है लेग्स है तीन पेयर और दो पेयर विंग्स होते हैं ठीक है इनको आप टेगमिनास कह सकते हैं ऊपर वाला विंग जो है वो बड़ा होता है छोटे वाले को ढक लेता है ओके नाउ ये आपको समझ में आया नाउ लुक एट द बॉडी द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट द हेड एंड एंड द द डोमिन ठीक है सो so इनकी जो बॉडी होती है वो तीन मुख्य भागों में विभाजित होती है डर सो so, इनका जो पहला पार्ट होता है वो कौन सा है पार्ट भैया साहब वो है आपका पहला पार्ट हेड दूसरा पार्ट है थोरेक्स, और तीसरा पार्ट है एबडोम अगर ह्यूमन बींग की भी बात करूं ना बच्चों तो तुम्हारे पास हेड है तुम्हारे पास गर्दन है मे बी इनकी गर्दन आपको दिखाई नहीं दे रही हो पर समटाइम देर आर सम अरेजमेंट और द स्पेशल कैरेक्टर जो अभी मैं आपको बताऊंगी जो गर्दन कहला सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली ठीक है

एग्जोस्केलेटन होता है ठीक है पर क्वेश्चन ये है कि एक्सोस्केलेटन बना किससे होता है यह एग्जोस्केलेटन जो होता है यह काइटिन से बना होता है किससे बना होता है ठीक है बना हुआ ये एग्जोस्केलेटन इसको एक सर्वाइवल एडवांटेज देता है मेरी बात समझे आप काइटिन से बना हुआ ये एग्जोस्केलेटन इनको एक सर्वाइवल एडवांटेज देता है समझ गए कि नहीं समझ गए मतलब अगर आप बहुत सारा कंबल, चद्दर ये सब ओढ़े हुए हैं तो आप आसानी से डैमेज नहीं हो सकते ठीक है ये एनेलिडा के पास इतना अच्छा गुड़ नहीं था बट ऑर्थ्रोपोडा है समझे दूसरी बात ये है कि पानी में रह रहे हो तब तो कोई बात है ही नहीं समझे नहीं समझे अगर पानी में रह रहे हो तब तो मेरे लाल कोई बात ही नहीं है कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं पर अगर आप लैंड में रह रहे हो कहाँ रह रहे हो लैंड में रह रहे हो तब आपके पास प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता अब भैया तुम एक बात बताओ तुमको ज्यादा चलवाएंगे समझो बात को तुमको अगर ज्यादा चलवाएंगे तो तुम्हारा पानी लॉस होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा मैडम अब ये जो पानी है समझना बात को ये जो पानी लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा इतना ज्यादा पानी भी नहीं पीते हैं ठीक है थीके? अब इसीलिए इनकी बॉडी में होता है काइटीनियस एक्सोस्केलेटन। अब ये जो काइटीनियस एक्सोस्केलेटन है ये बनाता कौन है इसके जस्ट नीचे होती है इनकी सिंगल लेयर की एपिडर्मिस, जो सिक्रीट करती है काइटिन लेयर को समझे बात को तो अगर सोचो कि भगवान ने कुछ अलग से काइटिन बना के दिया है लेयर एक हार्ड लेयर कॉम्प्लेक्स लेयर तो ऐसा नहीं है उनकी खुद की बॉडी जिसे जिस फर्स्ट लेयर ऑफ द द्रीट किया है डेसिकेशन से बचाती है जो इनको एडवर्स कंडीशन से बचाती है दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास काइटिन है समझ में आई बात अगर आपके पास काइटिन है तो आपकी बॉडी कॉम्पैक्ट बैनर में रहेगी ठीक है ये आपकी बॉडी कॉम्पैक्ट मैनर में रहेगी इसीलिए एक समय के बाद ये अपनी काइटिन को उतार देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स कॉल्ड एज इोसोन्स सो मेनी हार्मोन्स टू हार्मोन्स एक्चुअली तो ये एक समय के बाद अपनी काइटिनियस लेयर को उतार के फेंक देते हैं समझे बात को और फिर ये जो है इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग जो आपने जो है वॉर्म uh, के लाइफ साइकिल में स्कैरिस के लाइफ साइकिल में शायद पढ़ा हुआ है ठीक है सो सो मेनी ऑर्थ्रोपोडा शोज थर्टीन टू फोर्टीन टाइम्स मोल्टिंग टू ठीक है तो काइटिन का रोल अच्छा ऐसा क्यों करना जरूरी है क्योंकि काइटिन डब्बा है काइटिन क्या है उसके ऊपर की कवर है तो इसको फैलने नहीं देता तो इनको अपनी काइटिन उतार के फेंकनी पड़ती है काइटिन उतार के फेंकेंगे तो इनका जो है आसानी से ये डेवलप हो सकते हैं रूप चेंज कर सकते हैं तो मोल्टिंग ठीक है So, काइटिन आपको समझ में आया किसने बनाया एपिडर्मिस ने बनाया ठीक है काइटिन एक हार्ड लेयर होती है काइटिन इनको प्रोटेक्शन देती है काइटिन इनको क्या करती है डेसिकेशन uh, से बचाती है काइटिन जो है जो, जो है इनको कॉम्पैक्ट रखने में मदद करती है ओके नाउ सो काइटिनस क्यूटिकल इसको आप कह सकते हैं ठीक है, है? काइटिनस क्यूटिकल कह सकते हैं दैट शेड एट इंटरवल्स ठीक है आपको पता है कि जब तक काइटिन रहेगा बॉडी खुल नहीं सकती

पार्ट वेन द हेड इज फ्यूज विदरिक्स इट इज कॉल्ड एलोथरिक्स ठीक है नाउ देखिए आपने कभी कॉकरोचेस को देखा होगा तो कॉकरोचेस जो होते हैं देव दनादन देनादन बहुत तेजी से भागते हैं ठीक है थीके? इसका मतलब यह है कि कॉक्रोचेस के पास होती हैं मसल्स ठीक है कॉकरोचेस के पास क्या होती है मसल्स जो भले ही छोटी होती हैं पर एटलीस्ट इनको इतना तेज दौड़ने में मदद करती हैं

पर आप मेरी बात को बिल्कुल कान खोल के सुनना ठीक है कान में थोड़ा सा कान की क्लीनिंग कराओ और मेरी आवाज वैसे भी तेज है वैसे बहुत सारे लोगों को करकश लगती है पर लेटेड भी जब तक आवाज करकश ना लगे उस जीवन में मधुरता नहीं आती तो मीठा बोलने वालों से सावधान ठीक है तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सपोज दैट कि ये इनकी बॉडी है ठीक है सपोज दैट कि ये इनकी बॉडी है ठीक है कॉकरोच है कैसा लग रहा है कॉकरोच बताना मुझे ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से समझना इनकी पूरी जो बॉडी होती है उस पर लेती है हाईलाइट हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेती हूँ ब्लू कलर ठीक है क्यों तो इनकी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर है, है भैया साहब इनकी पूरी जो बॉडी है वो कवर है एग्जोस्केलेटन से जिसका नाम है काइटीनियस एग्जोस्केलेटन ठीक है पर क्वेश्चन ये है कि इनके पास एंडोस्केलेटन तो है नहीं इनकी बॉडी में पूरा जो खेल है वो इस काइटिन का ही बना हुआ है कौन बनाता है इसके जस्ट नीचे क्लियर कॉल्ड एज एपिडर्मिस वो भी सिंगल लेयर होती है अब मेरी बात को ध्यान समझना अब ऐसा है कि तुम्हारे बॉडी में तुमको फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है तुम ऐसे ऐसे जुमवा करने जाते हो तो कैसे करते हो बिकॉज यू हैव मसल्स ना यू हैव मसल्स एंड मेम्बरिन इन बिटवीन द जॉइंट ये हाथ क्यों ऐसे मुड़ता है क्योंकि इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो उस ज्वाइंट्स की वजह से मूव होता है अब मेरी बात को ध्यान समझना कि सपोज दैट कि बॉडी चारों तरफ से काइटेनियस एक्जोस्केलेटन से घुरी हुई है ठीक है काइटेनियस एक्जोस्केलेटन की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को अपन लोग क्या कहते हैं उन प्लेट्स को हम लोग कहते हैं भैया स्क्लेराइट ठीक है अच्छा ये सब नाम क्या है आपको पता है ये सब नाम ना हम लोग अभी कॉकरोच के डिटेल में पढ़ेंगे भी ठीक है तो इनकी जो बॉडी है वो काइटेनियस प्लेट से घिरी हुई है हर प्लेट का नाम जो है कलेक्टिवली इन प्लेट्स का नाम स्क्लेराइट होता है पर हर प्लेट जो है वो एक जॉइंट से घिरी होती है मतलब uh, प्लेट्स के बीच में जॉइंट होता है लेट मी ड्रॉ द जॉइंट बिच कलर थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए तो इन प्ले, uh, uh, प्लेट्स के बीच में ना जॉइंट है सपोज दैट यहाँ पे जॉइंट है ये जो जॉइंट होता है ये कैसा जॉइंट होता है बच्चों ये जॉइंट होता है मेम्बरेनस जॉइंट कैसा जॉइंट होता है ये जॉइंट होता है मेम्बरेनस जॉइंट कैसा जॉइंट है भैया मेम्बरेनस जॉइंट इस जॉइंट का नाम बोल दूं क्या मेम्ब्रेनस जॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सो so, दो प्लेट के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो दो प्लेट को कौन क्या जोड़ रही मेम्ब्रेन ही तो जोड़ रही है इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं ये हम लोग कॉकरोच में एक बार और पढ़ेंगे तो अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉकरोच में पढ़ेंगे पर मैं सोच रही थी कि पढ़ा देती हूँ तो वहां पर आपको समझने में आसानी होगी इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ऑर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन ऑर्थ्रोपोडा की मेम्बरेन इज ऑर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन सबको विजिबल है सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो प्लीज मुझे बताए ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं कि भैया इनकी जो बॉडी है वो प्लेट से घिरी हुई है उन प्लेट्स किससे बनी हुई है वो प्लेट वो प्लेट बनी हुई है काइटिन से हर प्लेट के बीच में एक मेम्ब्रेन है इस मेम्बरेन का नाम है भैया साहब ऑर्थ्रोपो ऑर्थ्रॉइडल मेंब्रेन ठीक है तो ये क्या करती है कि भैया ये बच्चों किसी भी को बच्चो दौड़ने में मदद करती है क्योंकि अगर स्टिफ स्केलेटन बन जाएगा तो दौड़ नहीं पाओगे ठीक है और आपने अभी तो थोड़ी देर पढ़ा पहले पढ़ा कि इनके पास मसल्स तो हैं पर जॉइंट्स होने भी बहुत जरूरी हैं ताकि उन्हें स्पीड और स्ट्रेंथ मिल सके ठीक है आई बात समझ में अब आप, आपने क्या देखा हमने ये देखा कि बॉडी जो है वो टोटली totally डिवाइड होती है समझ गए आप लोग स्क्लेराइट क्या है इट इज अ प्लेट और इट इज द एग्जोकाइटियस प्लेट प्रेजेंट अराउंड द कॉकरोचेस और एनी टाइप ऑफ ऑर्थ्रोपोडा नाउ इट इज जॉइंड बाय अ मेंब्रेन कॉल्ड एज ऑर्थ्राइडल मेंबरेन ठीक है विच द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड टू द ऑर्थरोपोड मेंबर ठीक है ना अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा इनकी बॉडी आपको सेगमेंटेड दिखाई देती है एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इज कॉकरोच में पढ़ेंगे पर मैं अभी से थोड़ा सा आपको बता दूं सेगमेंट्स की बात करें तो हाउ मेनी सेगमेंट्स दे द बॉडी ठीक है हाउ मेनी सेगमेंट ठीक है ये कॉकरोच की बात करें ठीक है नाउ हेड में कितना सेगमेंट होता है हेड में होते हैं छः सेगमेंट ठीक है segment, उसके बाद आपने क्या देखा कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थॉरिक्स एंड एबडोमिन जो ये सी ग्रीन कलर का है इट इज़ अ हेड जो ग्रीन कलर का है थॉरेक्स और रेड वाला हेड में कितना जो है सेगमेंट होता है हेड इज द फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट समझे बात को मेरी तो ऑर्थ्रोपोडा में टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं ऑर्थ्रोपोडा में टोटल होते हैं कितने सेगमेंट ऑर्थ्रोपोडा में टोटल होते हैं बीस सेगमेंट ठीक है टोटल कितने सेगमेंट है भैया बीस सेगमेंट अच्छा उधर लिखा हुआ अभी किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देती हूँ इट इज कॉल्ड एज ऑर्थ्राइडल मेम्ब्रेन वहां से मैं रब कर दे रब क्यों करें ये लिख देती हूँ देखिए स्क्लेराइट ये जो ब्लू वाला है ये प्लेट्स हैं इन प्लेट्स को आप कहते हैं स्क्लेराइट क्या कहते हैं स्क्लेराइट और इन प्लेट्स को जोड़ने के लिए इन प्लेट्स को जोड़ने के लिए पाई जाती है एक मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं आर्थ्रोइडल मेंब्रेन ठीक है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा बच्चों ठीक है आर्थ्राइडल मेंब्रेन ठीक है ये याद रखिए जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है नाउ अब मेरी बात को ध्यान समझिए हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन द कॉकरोच और द इन से ट्वेंटी सेगमेंट जिसमें जो उनका हेड होता है एक एक सेगमेंट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं ठीक है इनका जो हेड होता है वो कितने सेगमेंट से बना छह तो गोल सारे सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं बाय द थ्रोडल मेमरेन तो है ही हर सेगमेंट को जोड़ने के लिए सेगमेंट किससे बने काइटिनस के बने हुए हैं ठीक है तो छह सेगमेंट जो है पहले छह सेगमेंट जो होते हैं बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंट है पहले के छह सेगमेंट हेड बनाते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन वाला पार्ट कितना दिख रहा है एक दो तीन आप खुद गिन लीजिए तो जो थॉरक्स होता है क्या होता है भैया थॉरेक्स जो होता है स में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं तीन सेगमेंट होते हैं अब यहाँ गिनिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है टोटल में ठीक है यहाँ पे लिख रही हूं टोटल एबडोमिन में कितने सेगमेंट होते हैं एबडोमिन में होते हैं ग्यारह सेगमेंट जिसमें दस आपको दिखाई देते हैं और एक आपको दिखाई नहीं देता समझे आप बात को मेरी सो हाउ मेनी सेगमेंट्स प्रेजेंट इन दो कॉक्रोच मेरे बच्चों बताओ जल्दी से बीस सेगमेंट पहले सेगमेंट फ्यूज होकर क्या बनाते हैं बच्चों हेड फिर तीन सेगमेंट क्या है थॉरेक्स और हर थोरेसिक सेगमेंट में आपको पेयर ऑफ लेग्स दिखाई देंगे ठीक है

ये ये आपको आपको पता कहां पे काम आएगा? ये आपको काम आएगा आएगा जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो दे तो तो फ्यूजन से बना हुआ है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दॉरेक्स में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं थॉरक्स में टोटल तीन सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं पहला है आपका प्रोथोरेक्स ठीक है प्रोथोरेक्स ओके प्रोथोरेक्स इसको आप प्रोथोरेसिक लेग्स जहां प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोथोरेक्स प्रोथोरेक्स लेग्स जहां प्रेजेंट इट इज द प्रोथोरेक्स एरिया ठीक है नाउ उसके बाद सेकेंड सेगमेंट इज द एक्चुअली आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्योंकि गर्दन और थॉरिक्स दोनों जुड़ गए हैं ठीक है मतलब एक्चुअली सर और थौर... ये आपका चेस्ट वाला एरिया दोनों जुड़ गया है तो मे भी आपको ना दिखाई दे पर ये एरिया जहां से आपका पहला पैर निकल रहा है ये होता है प्रोथोरिक्स एरिया ठीक है ओके तो इसे आप क्या कहते हैं प्रोथोरिक्स एरिया है, जहां से पहला पैर निकल रहा है दूसरा पैर जो है ये इस वाले एरिया से निकल रहा है ध्यान से देखिए इट इज द मीजोथोरेसिक एरिया एंड थर्ड वाला जो पैर है वो इस सेगमेंट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इट इज द मेटाथोरेसिक एरिया सो so, िक्स पहला एरिया है जहां से सर जो होता है इनकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है ओके okay, उसके बाद वाला एरिया एंड मेटाथोरिक्स उसके बाद वाला एरिया मतलब हर सेगमेंट को एक कैविटी मान रहे हैं इनका जो छाती वाला एरिया है तीन सेगमेंट है प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स मेटाथोरिक्स और तीनों के पास एक एक लेग है ठीक है आई बात समझ में कोई दिक्कत इसमें एंड दे हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स ठीक है दिस इज द फोर विंग्स एंड दिस इज द हिंड विंग्स ओके टेगमिनाज okay, okay? so, में कितना सेगमेंट है भैया ग्यारह जिसमें दस दिखते हैं लास्ट सेगमेंट में जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है ओके सो हैव टू टाइप्स ऑफ विंग्स ऑन दसिक एरिया टेगमिना एंड द हिंड विंग ओके कॉकरोच को उड़ने में नहीं पर बाकी सब इंसेक्ट्स में ये उड़ने में काम आते हैं ठीक है थीके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेड हेड के बारे में बात करें क्या हम लोग हेड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आ, इंसेक्ट का या ऑर्थ्रोपोडा का हालांकि हम सेंसरी ऑर्गन में इसके बारे में पढ़ने भी वाले हैं ठीक है सेंसरी uh, ऑर्गन में पढ़ेंगे हेड में होते हैं एंटीनास और आइस दे हैव कंपाउंड आइस जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हर इंसेक्ट में विंग तो होते ही हैं पर कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जिनमें विंग नहीं होते एंड इज़ वन ऑफ़ द इंसेक्ट जो कि एक विंगलेस इंसेक्ट है ठीक है आई बात समझ में तो ये एक विंगलेस इंसेक्ट होता है कोई दिक्कत परेशानी सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी वॉल ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी एंड स्केलेटन ऑफ द कॉक्रोचेस और द इंसेक्ट ठीक है ओके okay? अब आगे के जनरल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आई थिंक आज के लिए इतना काफी था बहुत ज्यादा पढ़ना जो है ये सेहत के लिए घातक हो सकता हो सकता है कि आपको अजीर्ण हो जाए और लूज मोशन हो जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसको एक साथ पढ़ने के लिए मैं पढ़ाने के लिए आपको एक घंटे में खत्म कर दूं मुझे कुछ नहीं है एक घंटे में खत्म हो भी जाएगा पर उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ पाएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उड़ने वाले फॉर्म में तो अपन को टच करके नहीं निकलना है अपन को बेसिक के अंदर घुसना है ठीक है मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई क्योंकि जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये काम आएगी तो अगर आप थोड़ा सा माइंड बना के रखेंगे तो उस चैप्टर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी वहां जाके मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि आपने हम लोगों को कॉकरोच या ऑर्थ्रोपोडा में क्यों नहीं बताया था और बहुत सारे लोग तो ऐसा करते भी हैं कि और के साथ ही कॉकरोच पढ़ा देते पर अपन को वैसा नहीं करना क्योंकि हम तो चैप्टर वाइज चलने वाले लोग हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आई होप यू एंड द वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा और कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा सो थैंक यू सो मच